टिक्की देख रहे हो, साइज देखो भाई, बताशे खाए थे गजब कहते हैं। देखो ये दुकान है गुरु भवानी, ये लोकेशन है, यहाँ पे सिटी पैलेस जाते वक्त बीच चौराहा जो पड़ता है वहाँ पे। तो चलें दोस्त सिटी पैलेस, हल्का फुल्का टिक्की बताशे खा लिए हैं, अब चलेंगे सिटी पैलेस की ओर। गर्मी तो भाई अल्टीमेट लग रही है, जहाँ रुक जाओ दो मिनट के लिए, गर्मी से हाल बेहाल। बॉम्बे रजवाड़ी चाय, अच्छा मिक्स कर दिया भाई, दूध बॉम्बे का और राजस्थान की चाय पत्ती। मैं काफ़ी देर यहाँ घुमाऊँ गलियों में रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए प्रॉपर, जहाँ खाना मिल जाए, कहीं नहीं मिला। फिर एंड में मुझे बताशे और टिक्की ही खानी पड़ी। खैर टिक्की तो नहीं मज़ेदार थी, वो है सिटी पैलेस। ओके तो दोस्तों सिटी पैलेस में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे देखते हैं पार्किंग कहाँ पे है और टिकट कहाँ पे है। तो ये है सिटी पैलेस का प्राइस, देख लो भाई, यहाँ से टिकट है और बोरा गेट 400 रुपये का टिकट है, और जंग मंदिर जाने का टिकट अंदर मिलेगा जो बोटिंग से जाते हैं। ये है सिटी पैलेस देखो, और मैंने अपनी बाइक तो पार्क कर दी है वहाँ पे पार्किंग में, अब मुझे यहीं टहलना है शाम तक। नो प्रोफेशनल फोटोग्राफी इज़ नॉट विदाउट प्रायर परमिशन। अच्छा तो आई थिंक मुझे अपना कैमरा जो है ना अंदर रख लेना चाहिए, वही बेटर रहेगा। दोस्त ये है टिकट देखो, बोटिंग जग मंदिर जाने का होटल है वो वहाँ पे, और इसका प्राइस पड़ा है 650। कुछ टाइमिंग है, देखो टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको, ये लिखी है, ये लिखा है कि 3 बजे तक, मतलब 3 बजे तक 650 रुपये पड़ेगा, 3 बजे के बाद 8 बजे फिर बोट चलती है, उसका महंगा हो जाता है 850 हो जाता है। तो ये कुछ सीन है, ये देख लो यहाँ पे बहुत महंगा रिकॉर्ड है भाई, 400 की एंट्री पहले हुई सिटी पैलेस, अब ये है देख लो दोस्त, भाई बहुत महंगा है यार, 400 और 600, मतलब 400 एंट्री पड़ी और 650 इधर, मतलब 1000 रुपये आपके डन है, 1050 रुपये फिर अंदर जाओगे वहाँ कुछ खाओगे पियोगे जो भी करोगे, तो 2000 रुपये का खर्चा है सिटी पैलेस आने का। ये बजट में ऐड कर लेना, ये देखो टिकट ऐसा है, ये बोटिंग का है, टाइमिंग के बाद ये देखो, विंटर में 10 से 2 है और समर में 10 से 3, 10 से 3 का टिकट है, 3 बजे के बाद जो टिकट लोगे वो 850 का पड़ेगा, और ये 50 रुपये एंट्री फीस है कॉम्प्लेक्स में अंदर घुसने के लिए। यहाँ पे भाई तगड़ी कमाई चल रही है यार। चलो दोस्त आगे मिलते हैं, बोटिंग का व्यू दिखाएंगे आपको। भाई आए हैं तो करेंगे ही, जाएंगे ही, ये तो जाना ही था। फतेह प्रकाश पैलेस होटल, जग मंदिर आइलैंड, ये देखो व्यू। ओहो, ये है व्यू, ये है व्यू भाई, ये देखो सिटी पैलेस और उसके अंदर से बोटिंग का। कहाँ जाना है, नीचे जाना है, इतना टहलाओगे भाई, अरे यार गलत बात है यार। वो देखो लेक पिचोला, वो जग मंदिर, भाई जग मंदिर बोटिंग यहीं से होती है, कहीं और से भी हम नाव लेके पहुंच जाए तो और क्या, कश्ती लेके पहुंच जाओ बस। सिटी पैलेस स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं तो अभी 5 पे चल रहा हूँ यार, 20 पे चलूँगा गिर जाऊँगा, उनको समझाओ यार तुम दौड़ इतनी तेज नहीं सकते हम। ये देखो भाई बत्तख का भी टिकट पड़ा होगा क्या, 100 रुपये तो इससे भी ले लिए होंगे, छोड़े थोड़ी होंगे। शानदार भाई शानदार, ये देखो एकदम बेहतरीन व्यू है यार। ओहो लश ग्रीनरी, हाँ यहाँ ठंडा लगा यार, ऐसे हर जगह पेड़ लगा देने चाहिए। हो दैट्स द व्यू बॉस, दैट्स द व्यू, फाइनली ये है नज़ारा।
सो ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं एक स्पेशल चीज़। हाँ ये देखो, ये है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, जो भी मैं ऊपर गया था थोड़ी देर पहले, सोचो वहाँ से लेके यहाँ तक आ गया उस पहाड़ी से उतर के। कितना सही है यार व्यू ये। और वो देखो ऊपर, वो करनी माता टेम्पल है जो मैं कल रात को गया था, सब ऐसे ही पास ही है। देखो करनी माता टेम्पल वहाँ से दिख रहा था। ये लेक पिचोला है आपका सामने, जिसका मुझे लगता है ये जो ये वाला गेट है, अगर जग मंदिर खाली आना इस गेट से आ सकते हो सिटी पैलेस, जिसको नहीं घूमना है तो सिटी पैलेस जाने के लिए उस साइड से टिकट मिलेगा और जग मंदिर का फिर अंदर मिल जाएगा, और अदरवाइज़ जग मंदिर का इधर भी मिलता होगा कहीं, इधर मैं गया नहीं हूँ तो ये सीन है। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों जग मंदिर आ गए हैं, पीछे जग मंदिर है हमारे, ये होटल है, बाकी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और ये बोटिंग है, ये देखो इतना सही दिख रहा है यहाँ पे। और एंट्री कर रहे हैं हम लोग। दिस इज़ अ गुड प्लेस, नाइस। तो मैं काले होने के लिए तैयार। याद आए ये पल में हजरानों सो ये है जग मंदिर होटल। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो, इंतज़ार करो रात होने का, शाम ढलने का, फिर कहीं और घूमने चलेंगे। क्यों दोस्त, दिस इज द ब्यूटिफुल प्लेस, द गार्डन गाइस। बस यही है, सिंपल, आराम से अपना बैठो और खाओ पियो मस्त, चौड़ से ऐश करो। हाँ तो दोस्त ये है सामने देखो एलिफेंट, और ये है सिटी पैलेस की एंट्रेंस। अब फिलहाल सिटी पैलेस में हम लोग जा रहे हैं, और ये गेट देखो कितना बड़ा है भाई, कीले लगी हैं। पता है कीले क्यों लगाई जाती थी? कीले इसलिए लगाई जाती थी कभी कोई गेट तोड़ना चाहे हाथी के द्वारा तो उसके सर में घुस जाए। ये है, बाकी चलते हैं अभी ऊपर म्यूजियम देखते हैं, फिर एग्जिट करेंगे। महाराजा अमर सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह वन, ये सब है भाई, देख लो कितने महाराजाओं ने रूल किया था यहाँ पे। मेवाड़ में कुछ किसने राज किया था, सब लिखा हुआ है। घोड़ा है ये, ओ भाई साहब ये है सीन तगड़ा। यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट्स और बंदूक हैं, ये देखो छर्रे वाली बंदूकें हैं, ऐसे डाली जाती है कारतूस। ये देखो शॉर्ट हो गया, यहाँ पे ये हो गई, ओहो नाइस। और ये कुछ यहाँ पे गन्स हैं देखो, कुछ ऐसा यहाँ पे नाइस, ये कुछ है बढ़िया, ये दिख रहा है। फाउंडर ऑफ सिटी पैलेस म्यूजियम, महाराणा श्री भागवत सिंह मान, प्लीज विजिट दिस साइड फर्स्ट, ओके महाराणा प्रताप। फोटोज लगी हैं यहाँ, पेंटिंग्स हैं यहाँ पे सब। हल्दी घाटी का पावन मिट्टी,
ओके, हल्दी घाटी की मिट्टी है भाई, ये देखो ये है हल्दी घाटी का चित्र, देखो कैसे संग्राम महासंग्राम हुआ था, ये दिखाया गया है इसमें, खून से लथपथ सब जमीन के पीछे मारे गए हैं साले। नौ चौक महल, जय भगवान जी, कुंड है भाई, पानी पीने के लिए कुंड है, श्री राम मेयर फैमिली इज द लॉन्गेस्ट। यहाँ तो गलियाँ हैं, ये आ गया गार्डन यहाँ पे देखो, वो इसने 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 ये भी कोई कुंड है यहाँ पे, ये देखो इससे सनरेज आ रही है, बहुत लाइट मार्बल है ये, और एक ये है इससे कुछ नहीं आ रहा है, और ये है जिसके छेदी छेद कर दिए गए छेदी सिंह ने, ये देखो व्यू, यहाँ से कुछ भी हुआ, एक और कुंड है ये देखो, ये पर्सनल स्विमिंग पूल बना रखे थे लोग, बस सही चीज़ है यार। और ये है शानदार, उफ उफ उफ, ये दिख रहा है व्यू उदयपुर का, नाइस, मेरी धन्नो को देखो दिख गई, अरे ये खुशी भाई, इसको देख के कितनी खुशी मिलती है मुझे, अरे यहाँ तक आ गए हम, छाँव में आ गई, ये अच्छी बात है, धूप नहीं पड़ रही है, जब मैं जाऊँगा सीट ठंडी मिलेगी मुझे, चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखो है बढ़िया, ये एकदम ऐसा लग रहा है ना फिल्मों वाला सीन, और फिल्मों वाला सीन कर भी लेते हैं ऐसे, ओ दोस्त माइंड योर हेड, यस आई एम माइंडिंग माय हेड भाई, एकदम सकरे रास्ते हैं यहाँ पे, तो किधर जाना है, इधर ओके तो गाइस इस महल का व्यू देखो एकदम शानदार, और हो, ये देखो ब्लू ब्लू ब्लू, नाइस, ब्लू क्या, ब्लू पेंट ही कर दिया है सिंपल, ये देखो, अरे यार योगा करो यार, ये देखो लड़ दो सब लड़ दो भाई, खोल ली क्यों, बनी क्यों,
सिटी पैलेस की परेड होने वाली है, चलते नीचे परेड देखेंगे। अब चलें आगे। ओ भाई यहाँ तो फिसल जाएगा कोई भी। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर से आ गए मेवाड़ राजा। ये देखो शीश महल का, शीश महल। पहले ये शीश महल से सबसे ज़्यादा प्रभावित था मुझे लग रहा है, हर जगह शीश महल कोई ना कोई बना ही है, कि अजमेर में भी था, यहाँ भी है शीशे का। उस समय फ़ोटो नहीं होती थी, अपने को निहारते रहते थे। सेल्फी पॉइंट था रानियों का। वे टू जीनल महल, क्वींस पैलेस, क्वींस पैलेस, क्वींस पैलेस। भाई साहब भूल भुलैया है पूरी, मैं बुलाते कैसे होंगे यार। किसी रानी को बुलाना हो तो कैसे बुलाएगा कोई, आवाज़ तो जाएगी नहीं। अमर महल गई, शीशों का महल, शीश महल, देख लो शीशे, हर जगह ही शीशे ही शीशे, शीशे ही शीशे, शीशे ही शीशे, शीशे ही शीशे, धूप ही धूप। हो मॉडल वन, अच्छा ये मॉडल वन है, इतना ही बना था, उसके बाद फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर बनता ही गया। फिर इतना बन गया, देखो मेवाड़ पैलेस कितना सही है, हिंदुस्तान का नक्शा जो पहले हुआ करता था, सबसे पुराना नक्शा ये है, सिंध राजपूताना। हाँ तो दोस्त थाली खाई जाए, थाली मेवाड़ी थाली जो है ना, अब आए हैं तो खाएंगे ही, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है इसको कैसे खाना है, बट ट्राई करूँगा। दाल बाटी चूरमा, यह टिकट देखो 150 रुपये की खाई है और 50 रुपये की ड्रिंक है, ये इधर प्लस और मट्ठा इसके साथ ही है 150 रुपये में। ये बढ़िया यार, स्वीट डिश, मज़ा आ गया यार, प्लस में मज़ा आ गया। चलो खाता हूँ फिर बताऊँगा। ऐसे यहाँ पे परेड कंडक्ट करी जा रही है, कराई जा रही है। ये देखो बैंड भी है और वो अश्वमेघ जा रहे हैं घोड़े यहाँ के। ओ नाइस, दोस्तों सिटी पैलेस हो लिए है और कुछ ये सामने व्यू है आपके, देखो सिटी पैलेस का कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी फ़िलहाल हम चल रहे हैं अब आगे, वेट करने का मन था कि लाइट चले तब देखें, लेकिन ठीक है यार फिर कभी और देखेंगे, बहुत देख लिया इतना, अब आगे भी बढ़ें कुछ और देखें। दोस्त फ़िलहाल सीन ये है कि मैं हूँ उदयपुर पार्सल ऑफिस स्टेशन पे और अपनी बाइक करवा रहा हूँ पैक,
क्योंकि रीज़न ये हुआ कि प्लान ये हो रहा था कि जोधपुर जाएंगे, बट जोधपुर पर सबने मना किया कि जोधपुर में कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं है जाने का, वही किले हैं, बेकार में पेट्रोल खर्च करना और टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, वापसी। वापसी भाई इस धूप में हालत ख़राब हो जानी थी, तो इसीलिए भाई वापसी पॉसिबल नहीं है इतनी धूप में। तो मैंने कहा चुपचाप ट्रेन बुक करूँ, पहुँचते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोग मैंने गलती करी, प्लान नहीं था, लेट में निकले, काफ़ी लेट में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी सही इतनी है भाई, उदयपुर में हालत ख़राब हो जाती है दिन में, और इस धूप में बाइक चलाना वापस लखनऊ आना पॉसिबल नहीं था। तो फिलहाल यही सीन है, ट्रिप यहीं पे ही बाइक ट्रिप एंड होती है। अब आगे जो भी है, आज उदयपुर घूमेंगे शाम तक, शाम को 12 बजे ट्रेन है, रात को मतलब रात को 12 बजे ट्रेन है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। लखनऊ आराम से ट्रेन में बैठेंगे और कल रात तक पहुँच जाएँगे और फिर अपने धरनों को उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस व्यू पे तो आके तो बनता ही था, ये देखिए शानदार एकदम। वो रहा ताज और वो रहा जग मंदिर, और ये सामने सब रेस्टोरेंट्स हैं, बेहतरीन व्यू है भाई, तगड़ा। तो दोस्तों अलविदा कहते हुए उदयपुर को हम, और ट्रेन में हम चढ़ चुके हैं, मेरी बाइक भी उम्मीद करता हूँ चढ़ ही चुकी होगी, स्टेशन पे पहुँच गए हैं, बाकी कल रात को पहुँचेंगे 11-12 बजे तक, अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। फिलहाल यही सीन है, मिलते हैं आगे।